लेकिन नहीं वो मोहन जी सुनिए ना, हमें बहुत नींद आ रही है और आपको भी सो जाना चाहिए ना, कल सुबह दफ्तर भी तो जाना है ना, ये सारे काम आप बाद में कर लेंगे। बाद में चलिए, चलिए, चलिए। आज रात और कल सुबह में सिर्फ ये रात है और इसी रात को काम करना चाहिए। अरे मोहन जी, काम थोड़ी ना कहीं भागने वाला है, ये सब आप कल कर लीजिएगा ना, और अभी आप आराम नहीं करेंगे तो कल दफ्तर जाके काम कैसे करेंगे आप। और मोहन जी वैसे भी किसी भी काम को करने के लिए ना आराम करना बहुत जरूरी है, तो इसलिए आप आराम करेंगे, आप काम रखिए, वहाँ पे जाइए। मैं क्यों रखूँ, तुम रखो। जाइए ना, रखे। ठीक है, हम रख देते हैं। कितनी ठंडी है ना। हाय। क्या हुआ मोहन जी? थैंक यू। थैंक यू किस लिए? मेरे दिल का सबसे बड़ा बोझ कम करने के, मेरे दिल का सबसे बड़े डर को हटाने के, और मेरे सबसे सबसे गहरे जख्म पर मरहम लगाने के शुक्रिया। शुभरात्रि। गुड नाइट। तू मेरा कोई ना हो के भी कुछ लागे, तू मेरा कोई ना हो के भी कुछ लागे, किया रे जो भी तूने कैसे किया रे, जिया को मेरे बांध ऐसे लिया रे, समझ के भी ना समझ मैं सकूं, सवेरों का मेरे क्या है? इतनी छोटी सी है और इतने बड़े बड़े खर्राटे मार रही है। खैर, इसकी भी आदत पड़ जाएगी, जैसे तुम्हारी पड़ गई है। क्यों जिद कर रहा है रामेश्वर? हम कैसे वृंदावन तक जाके राधा से नहीं मिल सकते? नहीं अम्मा, आप अपनी बात मानने के लिए हमें मजबूर ना करें। एक बार कह दिया कि हम राधा से मिलने नहीं जाएंगे तो बस कह दिया। अम्मा, हम राधा वल्लभ मंदिर जाएंगे, वहीं कादंबरी जी से मिल लेंगे और वहीं कागजात पर उनके हस्ताक्षर लेके कागज लेके वापस आ जाएंगे। हम अपने अतीत के राज को अपनी बिटिया राधा तक कभी नहीं पहुंचने देंगे। हाँ, एक बात और, उसी अतीत के राज ने हमारी बिटिया का बचपन छीन लिया। हम राधा के वर्तमान पर उसकी परछाई भी नहीं पड़ने देंगे। समझी? अब चलिए।
वाला। सुनिए दीदी, राधे राधे। राधे राधे जी। ये रामेश्वर जी और उनकी फैमिली कहाँ गई है, कुछ पता है आपको? ठीक से तो पता नहीं, पर दादी कह रही थी वृंदावन में राधा वल्लभ मंदिर जा रहे दर्शन के लिए। राधा वल्लभ मंदिर वृंदावन। राधे राधे। राधे राधे। चलो ड्राइवर। एक मिनट एक मिनट, आपको पहले कहीं देखा है? आपका चेहरा काफी जाना पहचाना लग रहा है, कहीं आप? नहीं नहीं, मैं तो यहाँ पहली बार आई हूँ। चलो ड्राइवर। अतीत के जिस चौखट को मैं हमेशा के लिए पीछे छोड़कर चली आई थी, आज वही वापस आना पड़ा। रामेश्वर, भगवान के दर्शन तुम्हें होना हो, अब तुम्हें मेरे दर्शन जरूर होंगे। दादी हमारे इतने पास होकर भी हमारे पास नहीं है, वो तो हमसे मिलना ही नहीं चाहते और ना हम उनसे मिल सकते हैं। हम बरसाने के पंडित रामेश्वर आज आप सबके सामने ये घोषणा करते हैं कि हमारी बेटी राधा हमारे लिए आज से मर गई। हम तुम्हारे बाबा और दादी को वचन दे चुके हैं कि हम तुम्हें वहां नहीं ले आएंगे। हमें माफ कर दो। राधा मोहन त्रिवेदी, आज ऑफिस नहीं जाना? हम दफ्तर जाए या ना जाए, हमें आपको सफाई देने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों, मन भर गया है या हक छोड़ दिया है तुमने? अधिकार वो छोड़े जिनका अधिकार ही नहीं है, और हम घर पर इसलिए रुक गए क्योंकि घर पर भी ऐसे कई राज हैं जिन पर पर्दा उठाना बाकी है। ये राधा इतना कॉन्फिडेंस क्यों दिखा रही है? कहीं इसने फिर से तुलसी से बात करने की कोशिश तो नहीं की? गुरु माँ से बात करनी होगी। वैसे दामिनी जी, ये जो घबराहट अभी आपको हो रही है ना, इसकी आदत डाल लीजिए, आपको होती रहेगी। चाहे कुछ भी कर लो राधा, मुझे नहीं हरा पाओगी। वो तो समय बताएगा, है ना दामिनी चाची? मुझे जल्द से जल्द गुरु माँ से मिलना ही होगा। ऑफ कोर्स। देखा तुलसी जी आपने, हम कुछ भी कहते तो ये डर जाती है। बाकी बिहारी जी जाने इन माँ बेटी ने ऐसा कौन सा राज छपा रखा है। तुलसी जी, तुलसी जी आप यहाँ हैं? कहाँ है तुलसी जी? राधा प्लीज जल्दी से मुझे ढूंढकर मेरी मदद करो, मेरे अंदर अब और ताकत नहीं है। राधा जल्दी कुछ करो, वरना बहुत देर हो जाएगी। अगर हम दोनों
गुनगुन के पास नहीं है तो कुछ भी हो सकता है राधा। ये माँ बेटी उसे जरूर तकलीफ पहुंचाने की कोशिश करेंगे राधा। अब तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। अब तुलसी राधा से बात नहीं कर पाएगी, ना अभी ना कभी। यही मौका है तुलसी से हमेशा के लिए जिंद छुड़ाने का। तुलसी कमजोर है और राधा मोहन के पीछे पड़ी है। अब तुम्हें गुनगुन का कुछ करना होगा। ठीक है गुरु माँ, मैं काम करती हूँ, गुनगुन के ना हाथ पैर तोड़वा देती हूँ। कम से कम कुछ दिनों के लिए तो मोहन ऑफिस से दूर रहेगा ना। हाथ पैर तोड़ने से कुछ नहीं होगा, मार दो उसे, खत्म कर दो उसे। तुलसी से जान छुड़ाने का अब यही रास्ता है, खत्म कर दो उसे। गुनगुन की वजह से दुनिया में टिकी हुई है तुलसी। अगर गुनगुन खत्म तो तुलसी भी खत्म। तीन जुलाई गुनगुन का आखिरी दिन होना चाहिए। एक तीर और दो निशाने, परफेक्ट प्लान है गुरुमा। 3 जुलाई को गुनगुन अपनी आखिरी सांस लेगी। हमने कहा ना हम आपसे नहीं मिल सकते हैं। हाँ क्या? नहीं, आपको यहाँ आने की कोई जरूरत ही नहीं है। इस समय आपका और हमारा दूर रहना ही ठीक है। अगर आपको यहाँ किसी ने देख लिया ना तो सब बर्बाद हो जाएगा। आपका यहाँ आने में बहुत बड़ा रिस्क है, बहुत बड़ा बवाल हो जाएगा। हाँ प्यार तो हम आपसे बहुत करते हैं। हाँ लेकिन इस समय हम यहाँ पर फंसे हुए हैं ना, समझ रही है ना आप? हम आपसे खुद आकर मिलेंगे, पर प्लीज भगवान के लिए आप यहाँ पर मत आइएगा, है ना? कर रहा था शायद उस लड़की से मिल जाने की प्लानिंग कर रहे हैं। ओह गॉड, मतलब कावेरी मासी जो कह रही थी वो सच कह रही थी। जी का सच में कहीं चक्कर चालू है। नहीं नहीं नहीं, घोड़ा पड़ने से पहले ना मैं उस गधे की लगाम खींच लूंगी। मैं भी देखती हूँ वो कैसे उस लड़की से मिलने जाता है। मेरा नाम भी केतकी है। जीत ने ना आज तक सिर्फ मेरा प्यार देखा है, गुस्सा नहीं। अगर वो उस लड़की से मिलने गया तो मैं उसे ऐसा सबक सिखाऊंगी कि वो जिंदगी भर याद रखेगा। मैं भी देखती हूँ वो कैसे उस लड़की से मिलने जाता है, और ये हम नहीं तो कौन करेगा। मोहन जी, इस घर में आपसे ज्यादा समझदार और कोई नहीं है। अगर आप मन में कुछ ठान लेना तो आप ना जाने क्या क्या कर सकते हैं। मोहन जी, हम बाकी बिहारी जी से प्रार्थना करेंगे कि आपका आज का दिन शुभ हो। जल्दी आइएगा। देखो खाली है क्या? नहीं, भर के दिया हमने। ऐसे कैसे बोलते हैं आप? डाइट वाला खाना भेजी हो, वजन ज्यादा हो गया क्या मेरा? हमने शुद्ध खाना दिया है। ठीक है, तो हम ये कह रहे थे कि हम कुछ बोले तुम्हें पूरा तो नहीं लगेगा ना? नहीं। तो मेरे ख्याल से ना तुम्हें जाकर दादी बाबा से मिल लेना चाहिए। पर मोहन जी, माँ जी ने मैं वचन दिया है ना, जानता हूँ मैं, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि तुम्हें उनसे मिलना चाहिए। देखो प्यार को ना वो वादे और वचनों के तराजू में नहीं तोला जाता।
अगर वो लोग तुमसे नाराज है तो वो लोग प्यार भी तो तुमसे बहुत करते हैं ना। और जब तुम उन्हें अपनी आंखों के सामने देखोगी तब मिलने का मन नहीं करेगा, तब खुद को रोकना मत, ठीक है? चक्कर मिल लेना उनसे ऐसे, मतलब पहले ऐसे फिर ऐसे। क्योंकि राधा जिंदगी में प्यार जो है ना, अगर किसी से प्यार हो तो उसे बता देना चाहिए, क्या वरना बहुत देर हो जाती है। और वो तो परिवार है ना तुम्हारा, तो जैसे उन लोगों के पास हक है तुमसे नाराज होने का, तो तुम्हारा भी तो हक है ना उनकी माफी का, उनके प्यार का। तो तुम टेंशन क्यों ले रही हो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, क्योंकि सूट बूट पहन कर आया मोहन जी कन्हैया। बिल्कुल। और बहुत जरूरी बात करनी थी तुमसे। बोलिए ना मोहन जी। जरूरी बात इतने दूर से सुनोगी क्या? हम आए ना, मुझे मतलब वो क्या है ना कि दामनी से मैं तुमसे सम्मान के साथ ना मैं तुम्हें इस घर में वेलकम करता हूं, मिसेस राधा मोहन त्रिवेदी। लोग तो घर में देवी देवता के पैर के निशान रखते हैं ना, लेकिन मेरे लिए तो देवी तुम ही हो। बिहारी जी, बस हमारी हमारी खुशी को किसी की नजर ना लगे।
गुनगुन की माँ का सौभाग्य तो दिया था आपने हमें, अब मोहन जी की पत्नी का अधिकार भी दे रहे हैं। बस कभी कभी डर लगा रहता है कि हमारी खुशियों को किसी की नजर ना लगे। तुलसी जी और गुनगुन दोनों ही ठीक हैं। बस बाबा और दादी से मिलकर उनकी नाराजगी को दूर करना है। तुम्हारी खुशियों को कितनी बुरी नजर लगेगी ये तो सिर्फ वक्त ही बताएगा राधा। कैसे बताओ राधा को कि गुनगुन की जान खतरे में है। ये लीजिए भाई साहब, हमने साइन कर दी है। जी धन्यवाद। आप लोग सच में राधा से नहीं मिलेंगे?